मीनाक्षी की खास इच्छा है कि ये फिल्म आप ही लिखे। हाँ। आप ये मेहता साहब से पिक्चर मत लिखवाओ। क्यों? क्या है, जो भी फिल्म लिखते हैं ना, इतनी अच्छी लिखते हैं कि उस पिक्चर की हीरोइन इनके लेखन से प्रभावित होकर इनके प्यार में पड़ जाती है और फिर इनसे शादी करने की जिद करती है। चलो मीनाक्षी। हाँ? चलो 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 घर चलो। अरे सर, क्या हुआ? कहानी मैं लिख लूंगा। अरे, चलो अरे, चलो पिक्चर चाहिए। छीन ली थी। एक महीने बाद बच्चों का बचपन वापस आया है। अरे क्या क्या सोच रहा है? अच्छा, वेकेशन चालू, क्रिकेट चालू, अब तो मेरा बोर्ड रोज गिरने वाला है। टपुड़ा, अरे टपुड़ा। चाचा जी, कोई नहीं सुनेगा, सब चिल्ला रहे। अरे चिल्लाओ मत बच्चों। ये भाई, ये वो लोग चिल्ला नहीं रहे, खेल रहे हैं। अरे खेलते हो, चिल्लाने की क्या जरूरत है? लेकिन है? तो क्या बिना चिल्लाए खेलेंगे? तू क्या बचपन में खेलते वक्त गूंगा बनता था? है? बात करता है। ओ शांति भाई, थोड़ा शांति रखो यार। ओ तुम्हारी गड्डी ठीक हो रही है? ओ यार, इतना पुराना मॉडल है कि उसमें हॉर्न के सिवाय सब कुछ तो बचता है। ओहो शांति भाई, मैं आपकी गड्डी रिपेयर कर रहा हूँ, कोई साइकिल नहीं, कमाल है यार। और ये बॉल मारकर मेरी कार की खिड़की का शीशा किसने तोड़ा? सोड़ी सोड़ी, टप्पू ने मारा शॉट। टप्पू ने? टप्पू वहीं रुक, मैं अभी आ रहा हूं। सोड़ी, देखा इस टप्पू ने कितना नुकसान किया है तुम्हारा? अरे एक सचिन है जिसने सबसे ज्यादा सेंचुरी करने का रिकॉर्ड बनाया है, और ये टप्पू है जिसने सबसे ज्यादा तुम्हारे खिड़की का कांच तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। अरे सोड़ी, मैं तो कहता हूँ कि इन सबका यहाँ पे क्रिकेट खेलना ना बंद करा दो, और जेठा को अभी के अभी फोन कर और इस टप्पू के खिलाफ कंप्लेन कर। ओए, देख क्या रहे हो? खेलो बच्चे। अरे आ जाओ डॉक्टर हाथी। हाँ आता हूँ। ले लेता जा, बड़ा आया था, क्रिकेट बंद करवा ले। मजा आ गया। हाँ, आज तो बहुत दिन बाद क्रिकेट खेले। ओ टप्पू,
मेरी बैटिंग तो दो। अभी मैच पे ड्रिंक आया है। जब मेरी बैटिंग आती है जब भी तुम लोग की ड्रिंक चालू होती है। क्योंकि तू लास्ट था और खेलते खेलते प्यास तो लगती है ना। लेकिन मेरी बैटिंग फर्स्ट क्यों नहीं आती है? देख गोगी, तू बज्जी जैसा सुपर डुपर स्पिनर है। बज्जी कभी फर्स्ट होता है? नहीं। तो दो करेक्ट है। तब्बू, क्या हम वैकेशन में क्रिकेट ही खेलते रहेंगे? नहीं नहीं, हम पिक्चर देखने जाएंगे। पिक्चर नहीं, मॉल में जाएंगे। नो पिक्चर नो मॉल। तो आइडिया, या हम पिकनिक जाएंगे। पिकनिक यस। लेकिन कब? कल। कल नटू काका, इतनी हिचकियां खा रहे हैं, थोड़ा पानी पी लीजिए। सेठ जी, सवेरे से 2 लीटर पानी पी चुका हूँ, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। तो एक काम कीजिए, 100 से उल्टी गिनती गिनिए, 100, 99, 98 ऐसा। रहने दीजिए सेठ जी, इतना टाइम किसके पास है, मेरे को कितना काम करना है। टप्पू बेटा, चलो दूध पी लो। अरे अरे टप्पू, ऐसा क्या करते हो? अरे स्कूल के कपड़े बदल लो बेटा। अरे क्या कर रहे हो? चलो चलो दूध पी लो टप्पू। अरे 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 टप्पू संभालो। ए भाई टप्पू, बापूजी के ऊपर गिर मत जाना। टप्पू संभाल के। बापूजी जरा इसको बोलो ना। क्या बोलूं? दूध नहीं पी रहा है टप्पू। टप्पू नीचे आ, नीचे आ पहले टप्पू। टप्पू दूध क्यों नहीं पी रहा है? दादाजी मुझे पिकनिक जाना है। ओहो, तो ले जाएंगे पिकनिक। अब तो दूध पी लो। नहीं, मुझे कल ही जाना है। टप्पू ऐसे जिद नहीं करते, अपनी बात मनवाने के लिए ऐसी जिद करना गलत बात है। तुम्हारे पापा के साथ बात करके फिर तय करेंगे। अब तो दूध पी लो। नहीं, पहले पापा को फोन करो, फिर ही मैं दूध पीऊंगा। अरे बेटा, अभी तुम्हारे पापा काम में होंगे, मैं फोन करूंगी ना तो मुझे डांटेंगे। अरे नहीं डांटेगा बहू, तू उसे बोल कि टप्पू की परीक्षा पूरी हुई है, वो खुशखबरी देने के लिए फोन किया है, बाद में पिकनिक की भी बात कर लेना। ला दूध ला। हाँ। ले टप्पू पी ले। पी ले बेटा। हेलो, हिचकी आ रही है फिर भी फोन में बात करनी है। अरे नटू काका, कैसे हो? अरे सेठानी जी, सवेरे से हिचकी आ रही है, बंद ही नहीं होती। तो एक काम करो, पानी के अंदर लाल मिर्च और नींबू मिलाकर 3.5 घूंट नीचे देखकर और 3.5 घूंट ऊपर पंखे को देखकर पी लो, हिचकी गुल। हाँ, अब जल्दी टप्पू के पापा को दीजिए ना, खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? हाँ। क्या सेठ जी, आप भी बड़े छुपे रिश्तम निकले हैं। इतनी बड़ी खुशखबर आपने मुझे बताई नहीं। अरे आपकी हिचकियां बंद हो गई? हाँ, खुशखबरी सुन के अभिनंदन। आपको भी अभिनंदन, हिचकी बंद। लाओ लाओ एक मिनट। हाँ दया बोल, क्या खुशखबरी है? अरे टप्पू के पापा, आप आज का दिन भूल गए। क्यों, क्या था आज का दिन? क्यों आपको पता नहीं है? अरे आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन किस चीज का? ले भूल गए, आपको इतना भी याद नहीं रहता है। दया इधर बहुत काम है, फालतू टाइम पास मत कर, बताना तो बता भाई किस चीज का आखिरी दिन है। अरे आज टप्पू की एग्जाम का आखिरी दिन था, उसकी एग्जाम अब खत्म हो गई। तो टप्पू की एग्जाम खत्म हुई, ये खुशखबरी है? हाँ। डोबी उसको खुशखबरी नहीं बोलते है, खुशखबरी उसको बोलते है अगर एग्जाम में टप्पू अच्छा नंबर या पास हो तो। नॉनसेंस। हेलो, अरे मम्मी पिकनिक की बात क्यों नहीं की? उन्होंने फोन काट दिया। हेलो पापा, आपने फोन क्यों काटा? देख टप्पू सुन, पहले आप मेरी बात सुनिए। आज टप्पू की एग्जाम खत्म हो चुकी है और टप्पू ने डिसाइड किया है
कि कल आप टप्पू को पिकनिक लेके जाओगे। टप्पू बेटा तेरी एग्जाम खत्म हो गई है तो तू फ्री हो गया है बेटा, तेरा पापा इधर फ्री नहीं हुआ है, मुझे दुकान में बहुत काम है और मैं मना नहीं कर रहा हूँ बेटा, हम लोग जाएंगे पिकनिक में लेकिन थोड़े दिन बाद। हाँ बेटा। पापा क्या हुआ बेटा, फिर से फोन काट दिया? क्या सेठ जी, आप भी इस तरह बच्चों का फोन काटते नहीं है। तो क्या करो, दुकान का काम काज छोड़ के उसके साथ पिकनिक में जाओ। पिकनिक? हाँ चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अरे भाई बात समझ में नहीं आती है, तुझे बोला ना भाई बाद में जाएंगे, इतना बड़ा ढगा गया सिंपल बात समझ में नहीं आती तुझे है? अभी दिमाग मत खा मेरा। ये जेठिया बापू जी आप। अरे तुझे टप्पू को पिकनिक ले जाने में तकलीफ क्या है? अरे तेरी जब परीक्षा पूरी होती थी तो उसी दिन मैं तुझे घुमाने लेके जाता था। नहीं तकलीफ कोई नहीं है बापू जी, इधर दुकान में सचमुच में बहुत काम है। ए भाई ए, काम तो हम लोग भी करते थे, तू कोई नवी नवाई का काम नहीं करता है और काम तो रोज चलता ही रहेगा। तू शाम को घर पे आ, फिर बात करूंगा। ठीक है बापू जी। और खबरदार जो तूने फोन काटा तो फोन मैं काटूंगा। बापू जी अब टप्पू के पापा को ज्यादा डांटिए मत, क्योंकि आपके सामने तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, फिर शाम को घर पर आकर मुझ पर गुस्सा निकालते हैं, तो थोड़ा कम डांटेंगे। ठीक है। ये बापूजी फोन नहीं काट रहे और मैं काटूंगा तो फिर चिल्लाएंगे। हेलो हेलो कौन? बापूजी मैं जेठा। ये डोबा इतनी देर फोन पकड़ के फोन का बिल क्यों बढ़ा रहा है, फोन रख नहीं सकता है? बाबू चक कहीं ना फोन रख। सेठ जी हम लोग पिकनिक जा रहे हैं तो नाश्ते के लिए फरसान मिठाई का ऑर्डर बुक कर दू? नहीं एक काम करो, सन्यासी के कपड़ों का ऑर्डर दो, मैं संसार छोड़ के हिमालय की घाटियों में खो जाना चाहता हूँ। एक मिनट सेठ जी, इससे पहले आप कभी हिमालय गए हैं? नहीं क्यों? अरे हिमालय के रास्ते कितने टेढ़े मेढ़े हैं, कितनी बुलबुलैया वाला रास्ता है, कहीं उस बुलबुलैया में आप खो गए तो? अरे मैं उधर खो जाने के लिए जाना चाहता हूँ। फिर दुकान कौन संभालेगा? नटू काका, आ बापू जी दया टप्पू, आप सबका पिछला जन्म में मैंने कुछ बिगाड़ा था क्यों? नहीं इस जन्म में आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? सेठ जी ऐसी छोटी मोटी कंप्लेंट करके टाइम मत बिगाड़िए, कितना काम पड़ा है समझते नहीं है कुछ। यह पिकनिक परेशान करके रहेगी। नहीं गोली बेटा, देखो अगर हम लोग पिकनिक पे गए ना तो एक दिन के लिए क्लिनिक बंद रखना पड़ेगा बेटा। हाँ तो रखो ना क्लिनिक बंद, वैसे भी कहाँ इतने पेशेंट की लाइन लगी रहती है। वो तो ठीक है कोमल, लेकिन एक मिनट हंस। क्या है? ये पिकनिक न ले जाने का सही कारण क्या है बोलो? तुम्हें तो मालूम है कोमल, वेकेशन में खाने के काउंटर पे कितनी लंबी लाइन होती है। याद है पिछली बार वेकेशन में खाने के काउंटर पे मैं खड़ा था, आगे वाले ने क्या कहा कि प्लीज भाई साहब धक्का मत मारिए। मुझे उसको बोलना पड़ा मैं धक्का नहीं मार रहा हूँ भाई साहब, मैं तो सांस ले रहा हूँ, कितनी तकलीफ होती है मुझे। अच्छा और पिकनिक न ले जाने की वजह से गोली को कितनी तकलीफ होती है वो पता है तुमको? ठीक है मैं गोली को पिकनिक ले जाऊंगा। थैंक यू पापा। लेकिन अभी नहीं कुछ दिनों के बाद। मम्मी हंस। नहीं 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 शांति भाई, आपका 1960 का मॉडल है, इतनी पुरानी गाड़ी का काम दो दिन में कैसे हो सकता है? स्टीयरिंग ठीक करते हैं तो इंजन से आवाज आती है, इंजन ठीक करते हैं तो पूरी गाड़ी आवाज करनी शुरू कर देती है। पापा प्लीज कल पिकनिक। सॉरी काम नहीं आता ना तो गैराज बंद कर दे समझा? अरे ये पिकनिक जाना। अरे तू चुप करना यार, तू मुझे चुप रहने के लिए बोल रहा है? अरे शांति भाई मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने बेटे को कह रहा हूँ। सॉरी ये दो दिन करते करते तूने एक हफ्ता लगा दिया। पापा कल पिकनिक जाएंगे ना? अरे बोला ना एक हफ्ते बाद। तू पागल हो गया है क्या? एक हफ्ते बाद, तब तक क्या मैं लोकल ट्रेन में घूमूंगा? शांति भाई मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि मैं अपने पुत्र को कह रहा हूँ। ये तेरी फैमिली मीटिंग ना तू बाद में कर, पहले मेरी गाड़ी रिपेयर करा और प्लीज मुझे जल्दी से भिजवा दे। पापा कल जाएंगे ना पिकनिक प्लीज? अरे रोशन मेरी रोशनी समझा आपने चिराग को, इस पे तो पिकनिक जाने का भूत सवार हो गया भूत। पापा हाँ बोलो ना। कोई नहीं जाना पिकनिक। पापा प्लीज। सोनू मैंने 50 बार कहा है कि नहीं नहीं मतलब नहीं, मैंने कह दिया ना कि हम लोग टप्पू के साथ पिकनिक पे नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। माधवी तुम भी तो थी ना सोसाइटी कंपाउंड में, तुमने देखा ना कैसे टप्पू एंड गैंग ने आते ही सोसाइटी में चिल्लाना शुरू कर दिया।
और उस गैंग में अपनी सोनू भी थी। अरे बुरी संगत का असर बुरा ही होता है हमेशा। और वो बेचारे सोड़ी के खिड़की का कांच तोड़ दिया उसने, बेशिस्ता मुल्का। पर उन सब चीजों का और पिकनिक का क्या लेना देना? लेना देना है माधवी, बिल्कुल लेना देना है। अरे टप्पू के साथ हम लोग पिकनिक तो क्या कहीं भी नहीं जाएंगे। अरे वहां पर किसी राइड में वो सोनू को चोट पहुंचा सकता है, अपने शरारतों से पूरी पार्क को परेशान कर सकता है। अरे उसके मन में किसी के लिए कोई इज्जत नहीं है माधवी, खास करके मेरे लिए। मेरा तो हमेशा अपमान करता रहता है वो। लेकिन बाबा आपने तो हमें सिखाया है ना कि कोई भी आपका अपमान करे तो उसके साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। बोलो बोलो। टप्पू के बारे में ये बात लागू नहीं होती। मैंने कह दिया ना कि हम लोग पिकनिक में नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बस। अगर समझो सोसाइटी के सभी लोगों ने कल पिकनिक जाने का तय किया तो आप उनको क्या कहेंगे? उसके बारे में मैंने सोच लिया है। मैं उनको कहूंगा कि मेरे वेकेशन बैच के नए अभ्यास के बारे में मेरी मीटिंग है, मुझे उसमें जाना है। और वैसे भी टप्पू एंड गैंग और सोसाइटी को ना यहाँ से जाने दो पिकनिक पे, फिर हम सिर्फ तीनों ही सोसाइटी में बचेंगे। फिर हम सिर्फ तीनों सोसाइटी के गार्डन में पिकनिक मनाएंगे। अरे खर्चा भी नहीं होगा बाबा, सभी लोग साथ में जाते हैं ना उसको पिकनिक बोलते हैं। हाँ। किसने कहा? अरे एक से ज्यादा लोग होते हैं उसको भी पिकनिक बोलते हैं। हम लोग तो फिर भी तीन है तीन, समझे तुम दोनों? टप्पू बेटा लो, ये तुम्हारा घर में गरम फेवरेट पिज्जा। हाँ ये लीजिए, आप लीजिए। मुझे भी दिख रहा है लेकिन पिज्जा क्यों? क्या है कि आज टप्पू की एग्जाम खत्म हो गई है ना, इसलिए उसकी पसंद का खाना बनाया है। तो टप्पू के लिए पिज्जा बनाना था, सबके लिए पिज्जा बनाने की क्या जरूरत है? अब मेरा छोड़ो, बापूजी का तो सोचा होता, बापूजी बेचारे पिज्जा कैसे खाएंगे? या भाई मुझे सब चलेगा, चल चुपचाप खा ले। अरे दया ऐसा सब खाता हूँ उसकी वजह से फिर मुझे चूरन खाना पड़ता है। तो चूरन है ना, एक काम करती हूँ, आपके पिज्जा के ऊपर नमक की तरह चूरन छिड़क के देती हूँ। लाती हूँ। पापा पिकनिक कब लेके जा रहे हो? अरे भाई तू तो जान खा गया पिकनिक करके। ए जेठिया ऐसे गुस्सा मत कर, तुझे गुस्सा करता देख वो भी वही सीखेगा। सॉरी बाबूजी लेकिन आप तो समझते हैं ना, मैंने आपको बोला भी एक बार, दुकान में नया स्टॉक आया है, डिलीवरी बाकी है, बहुत काम है, ऐसे में कैसे जा सकते हैं पिकनिक बाबूजी? चल चल अबे बहानेबाजी बंद कर। अरे बहाना नहीं बना रहा हूँ बापूजी, मैं सच में बोल रहा हूँ, बहुत काम है और मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पिकनिक जाएंगे बेटा लेकिन थोड़े दिन बाद जाएंगे। थोड़े दिन बाद करते करते तो मेरा पूरा वैकेशन ही खत्म हो जाएगा। लास्ट दिवाली वैकेशन में भी आपने ऐसे ही किया था, थोड़े दिन बाद फिर हम गए ही नहीं थे। कुछ भी करो कल मुझे पिकनिक जाना है, मतलब जाना है। देखा आपने, बच्चों के इम्तिहान खत्म और उनकी मांग शुरू, सारे बच्चे एंजॉय करना चाहते हैं, पिकनिक पे जाना चाहते हैं। और सबके पिताओं को देखिए, सबके पास अपने अपने काम है, उनके भी काम है, मजबूरी है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं और हम अपने काम की वजह से उनकी इच्छाओं को शायद उस वक्त पूरा नहीं कर पाते, लेकिन बच्चे तो ठहरे बच्चे, वो कहने लगते हैं कि हमें ये चाहिए और हम उस इच्छा को जिद समझने लगते हैं। लेकिन सोचना आप लोगों को चाहिए, हम सारे साल बच्चों से कहते हैं कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, इम्तिहान दो, उसके बाद खूब खेलना जम के, और जब खेलने की बारी आती है तो हमारी मजबूरी और हमारे काम आड़े आ जाते हैं। बच्चों की इच्छाएं उतनी ही जरूरी है जितने कि आपके काम। सामंजस्य बिठाइए बच्चों की इच्छाएं और अपने कामों के बीच में, फिर देखिए दोनों मिलकर खिलखिलाएंगे। अभी आप मेरे साथ एक सामंजस्य बिठाइए ठहाके लगाने में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।